हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। हमारा भारत देश विज्ञान में ऊंचाइयों को छू रहा है, चांद तक पहुंच चुका है, मगर हमारे देश के लोग और उनकी सोच ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। आज भी लोग अंधविश्वास में यकीन करते हैं और अपनी परेशानियों के लिए बाबा या फिर मौलवी के चक्कर लगाते हैं। ऐसे कामों से आगे महिलाएं ही होती हैं, महिलाएं ही ऐसे बाबा और मौलवी पर जल्दी यकीन करती हैं। देश में ऐसा बाबा है जो महिलाओं की परेशानी का गलत फायदा उठाते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल महिलाओं की ऐसी परेशानियों का फायदा उठाने का मामला भागलपुर में देखने को मिला। विश्वास का कत्ल करने का ऐसा ही मामला गोराडी प्रखंड में सामने आया है। मौलवी ने खुद माना कि वह इलाज के नाम पर महिलाओं के कपड़े उतरवाता है, साथ ही मौलवी खुद इलाज के इस नुस्खे का बखान भी करता है और बताता है कैसे महिलाओं के कपड़े उतरवा कर उन पर से भूत भगाता है। ये सारी बातें मौलवी खुद कबूल कर रहा है। इस तरह इलाज करने को लोग पसंद भी करते हैं। इलाज के नाम पर मौलवी लोगों से पैसा भी ऐंठता है। असल में महिलाएं स्नान करने के बाद कपड़े उतार कर बैठ जाती हैं और उससे वह पवित्र हो जाती है, मगर वहीं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मौलवी की बात मानने से इनकार भी कर देती हैं। जिन्हें महिलाओं ने भूत भगवाने के नाम पर उतारा था वह मौलवी मुस्तफा कमाल कहते हैं। आपको बता दें, यह अंधविश्वास का खेल सालों से चला आ रहा है। हर दिन सैकड़ों लोग बाबा के यहाँ इलाज के लिए आते हैं।